सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। कोरोना वायरस के लॉकडाउन अभियान के उल्लंघन करने पर महुआ मस्जिद के इमाम सहित 28 पर मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने सूचना पर सभी को मस्जिद में एक साथ एकत्र होकर नमाज करने के दौरान कार्रवाई की। पुलिस ने सभी को एक साथ रहने व घर से बाहर निकलने के लिए मना किया है। महुआ जिले के पनवाड़ी थाना क्षेत्र थाना पुलिस और सीओ कुलपहाड़ ने काजीपुरा तारा मस्जिद का नज़ारा देखा तो दंग रह गए। मस्जिद में बड़ी संख्या में भीड़ एकत्र थी और इमाम अब्दुल हकीम भीड़ को एकत्र कर इमाम नमाज अदा करा रहे थे। पनवाड़ी पुलिस ने इमाम सहित 28 लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। सभी इस असाध्य कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने अपने घरों पर ही रहने की सलाह देते हुए छोड़ा गया। सर, ये जो मस्जिद में आज इतने सारे लोग इकट्ठे हुए थे तो इन लोगों से आपने मतलब क्या कार्रवाई करने की वो सोची है? आज दिनांक 26/3/2020 को मुझे समय करीब 4:30 बजे इस बात की जानकारी मिली कि काजीपुरा मस्जिद में कुछ लोग नमाज पढ़ रहे हैं जो आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं और उनकी संख्या 20 से 25 है। मैं मौके पर पहुंचा और मैंने देखा कि वास्तव में आदेशों का उल्लंघन करते हुए कुछ लोग नमाज अदा कर रहे थे जिनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं पे मुकदमा लिखा जा रहा है, उन पे उचित कार्रवाई। सर, कितने लोग वहाँ मौजूद पाए गए आपने? वहाँ पर 25 से 26 लोग थे जो नमाज अदा कर रहे थे जी। इसके पूर्व में भी मेरे द्वारा सभी को हिदायत दी जा चुकी थी जी। कि किसी तरह का कोई नमाज या धार्मिक कार्यक्रम नहीं होगा। शासन के मंशानुरूप इस महामारी से बचने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि एक जगह लोग इकट्ठे ना हों, लेकिन इसके बावजूद भी आदेश का उल्लंघन करते हुए उनके द्वारा यह कार्य किया गया है जिसके तहत मुकदमा लिखा जा रहा है और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। सर, ये भी है, नौ दुर्गा चल रही है तो मंदिरों में आपने देखा होगा कहीं भीड़ भाड़ तो मिल रही है, आपको नहीं मिली कहीं? नहीं, मंदिरों पे मेरा फोर्स लगा हुआ है, मंदिरों पे किसी तरह का कोई भीड़ नहीं है। महिलाएं अपने अपने घरों पे पूजा कर रही हैं, पूजा अर्चना कर रही हैं और किसी तरह की कोई भीड़ नहीं है। सारे लोग आदेश का अनुपालन कर रहे हैं, कहीं किसी तरह की ऐसी बात नहीं है। ठीक सर। नाम क्या? अल्ताफ। अल्ताफ अल्ताफ। कुमार आ गया ना? आप पीछे जाते थे? बोले हैं बोले। क्या नाम? जावेद। जावेद दिलावर। दिलावर। उम्र कितनी है? 40। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।